हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MNTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो सबसे अच्छी पोस्ट क्या होती है और टॉप 5 पोस्ट का भी नाम बताएंगे। अगर आप लोगों को वो पोस्ट मिल जाता है तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें प्रमोशन और जॉब प्रोफाइल भी आपकी अच्छी रहेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अभी वर्तमान की बात करें तो ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट मिल जाए वो सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, कोई भी पोस्ट मिल जाए तो लोग सोचते हैं कि कोई भी पोस्ट मिल जाए तो कम से कम रोजगार मिल जाए। तो इसीलिए अगर कोई भी पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं है, थोड़ा उसमें क्या कहते हैं काम का जो थोड़ा दिक्कत रहता है, जो ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं उनको थोड़ा वर्कलोड थोड़ा हार्ड होता है। बाकी बात करें तो पैसे की, तो पैसे उन लोगों को, हम लोगों से, यानी हम तो पॉइंट्समैन बी के पद पे कार्य रहते हैं, हम लोगों से लगभग 4-5 हज़ार रुपया मंथली ज़्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताते हैं कि जो अगर ये टॉप 5 पोस्ट यानी 5 पोस्ट का नाम बताएंगे, अगर वो 5 पोस्ट आप लोगों को मिल जाता है तो आपका जॉब प्रोफाइल जो है और प्रमोशन का भी चांस अच्छा रहेगा। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों पॉइंट्समैन बी, जो हम खुद कार्यरत हैं जिस पोस्ट पे। तो हम 2019 यानी जुलाई 2019 से ये इस पोस्ट पे कार्यरत है। तो हमें ये दोस्तों पोस्ट अच्छा लगा बाकी सारे पोस्ट के अपेक्षा, इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं हम कि जो पहले नंबर पे ये पोस्ट होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों होता है कि आपका 8 घंटा का ड्यूटी रहता है। आप लोग जानते हैं कि रेलवे में दिन रात भी, मतलब रेलवे बंद नहीं होता है, तो इसी वजह से आपका दिन में भी ड्यूटी रहता है और रोस्टर वाइज आपका घूमते रहता है ड्यूटी। तो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। और दोस्तों मेन बात इसमें ये रहता है कि ड्यूटी उतना हार्ड नहीं रहता है। तो 8 घंटे के बाद आपको यहाँ रूम पे 16 घंटा मिल जाता है, जिसमें आप 6-7 घंटा सो लीजिए और बाकी का समय आप स्टडी में करिए। तो आप पे आगे की भी जो कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, यानी आगे की स्टडी के लिए भी अच्छा रहेगा। और इसमें भी दोस्तों प्रमोशन है, आप अगर 2 साल काम करते हैं तो उसके बाद इसमें डिपार्टमेंटल यानी वैकेंसी आते रहता है। जितना डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ रहता है उसमें जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं ऑपरेटिंग, हम लोग ऑपरेटिंग विभाग में आते हैं तो ऑपरेटिंग विभाग के लोग ही इसमें भर सकते हैं। तो वही पर लोग भरते हैं तो उसमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो 2 साल जॉब करने के बाद आप लोग जितना भी LDC का जो फॉर्म आता है वो सब अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने पदोन्नति कर सकते हैं। और पहला नंबर पर हो गया आपका पॉइंट्समैन बी, और दूसरा नंबर पर दोस्तों रखे हुए हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट। दोस्तों ये सिर्फ मतलब जॉब प्रोफाइल के दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपना जो भी रहेगा वहाँ बैठे रहना है हॉस्पिटल में, और थोड़ा बहुत अपना जो डॉक्टर कहेंगे वो अपना आपको करना पड़ेगा। तो ये पोस्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी गर्ल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा पॉइंट्समैन बी अगर मिल जाता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों कभी कभी जो है आपका। अब तो देखिए, पहले पोर्टर था, अब पॉइंट्समैन बी कर दिया है तो पोस्ट को मर्ज कर दिया है, तो अब जो होता है संटिंग वंटिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर हॉस्पिटल, कोई भी गर्ल्स अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वो पहला नंबर पे प्रीफ्रेंस में हॉस्पिटल असिस्टेंट दे, और बॉयज फॉर्म भर रहे हैं तो वो पहला नंबर पे पॉइंट्समैन बी दे। तो ये गर्ल्स के लिए ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की जॉब काफ़ी अच्छी होती है। इसमें भी दोस्तों 8 घंटे की रोस्टर होती है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हम पोस्ट रखे हैं, पहला हो गया आपका पॉइंट्समैन भी, दूसरा हो गया आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट, और तीसरे नंबर पर दोस्तों रखे हुए इलेक्ट्रिक हेल्पर यानी विद्युत खलासी, हिंदी में कह लीजिए तो विद्युत खलासी। इनका भी जॉब मेरा एक मित्र कर रहा है, तो उनका भी देखते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, यानी 10 से 5 ड्यूटी रहता है और रोस्टर में ड्यूटी रहता है। तो रोस्टर में भी कभी कभी जनरल ड्यूटी रहता है यानी 10 से 5 ऑफिस वाला, और कभी कभी रोस्टर में ड्यूटी रहता है, तो वही स्टोर रूम का अपना देखते हैं कि जो वहाँ रोस्टर ड्यूटी करते हैं। तो ये भी आपको, इसमें भी आपका टाइम मिल जाएगा और इसमें भी आपको प्रमोशन के चांसेस अच्छे रहते हैं। विद्युत खलासी से मिस्त्री बन जाइएगा तो 4200 ग्रेड पे में चल जाइएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों असिस्टेंट DL & AC जो होता है दोस्तों, ये पोस्ट होता है, ये इसमें आपको गाड़ी का जो ये देखना रहता है कि जो गाड़ी में क्या है, बिजली है, पानी है, यानी गाड़ी का अंदर का मेंटेनेंस देखना रहता है। तो ये भी जो पोस्ट है वो आपको ठीक ठाक पोस्ट है दोस्तों। और पांचवें नंबर पे बात करें दोस्तों, तो पांचवें नंबर पे होता है असिस्टेंट
डीपीओ स्टोर, यानी जो स्टोर में जो होता है, स्टोर में जो वर्क हो रहता है वो उसको आपको देखना रहता है। तो उसमें भी आपका जो है 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर रहता है और उसमें भी आपकी जो है सैलरी भी इसी जो है पॉइंट्समैन या जो असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट इसी के आसपास जो है वो मिलती है, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैंने ये क्या कहते हैं SNT के बारे में क्यों नहीं बताया, तो दोस्तों मैंने जो यहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ देखा हूँ SNT का जो है थोड़ा जॉब का जो है जॉब प्रोफाइल थोड़ा हमको कठिन लगा है, क्योंकि देखिए उन लोगों का है 24 घंटा रहता है। तो जो लोग मतलब स्टूडेंट लोग हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो 24 घंटे में ये थोड़ा माइंड पर प्रेशर रहता है कि कभी भी बुला सकता है, और बुलाता ही है दोस्तों, क्योंकि काम तो लग ही जाता है, कोई फेलियर हो गया, कोई सिग्नल खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में कभी बैठले रह गए 24 घंटा, ऐसा तो कभी नहीं देखे हैं। तो वो थोड़ा है जो उसका टाइमिंग के लेके थोड़ा अगर रोस्टर वाइज रहेगा तो वो भी जो अच्छा है, लेकिन उसमें रोस्टर नहीं है तो इस वजह से आपका जो है वो थोड़ा दिक्कत है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि जो रेलवे ग्रुप डी में मेरे हिसाब से अगर टॉप 5 पोस्ट क्या है, तो वो अगर टॉप 5 पोस्ट आप लोगों को मिल जाती है, यानी पहला जो है पॉइंट्समैन भी हो गया, दूसरा हो गया आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट, और तीसरा हो गया आपका यानी इलेक्ट्रिक हेल्पर, और चौथा हो गया आपका असिस्टेंट DL&AC, और पांचवा जो हो गया आपका हो गया असिस्टेंट DPO स्टोर। अगर ये 5 पोस्ट अगर मिल जाए तो अच्छा है, अगर कोई भी देखिए जॉब मिल जाए वो ही सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये है जिसको तैयारी करने आगे करना रहता है तो उनके लिए थोड़ा जो है वर्क लोड अगर हार्ड रहेगा तो फिजिकल फिर ये थक जाइएगा तो तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसके हिसाब से मैंने टॉप 5 पोस्ट आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस वीडियो में आप दोस्तों इतना ही, अगर आप हमें कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है बिरजू कुमार बीके, वहाँ आप हमें सर्च करके वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी ये रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसका हम जरूर जवाब देंगे। तो वहाँ से आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो वहाँ आप हमें यह मैसेज कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।